Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट टू पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी केरला। केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जिनके सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरीके से डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम्स हैं और इन क्लासरूम्स को पूरी तरीके से डिजिटल और हाईटेक बनाने में कुल लागत आई है 595 करोड़ रुपए की, और जिससे केरला सरकार ने लगभग 45,000 जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके क्लासरूम्स को अपग्रेड किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में ये घोषणा की है कि केरला का जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है या फिर सेक्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल हो गया है, और इसके साथ साथ केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जिनके पास हाईटेक क्लासरूम्स हैं उनके सभी पब्लिक स्कूलों में। ये जो हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था फ्रॉम केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। इसके अलावा जो MP और MLA फंड्स हैं, लोकल सेल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फंड्स हैं, ये भी यूज़ हुए थे इन क्लासरूम्स को सेटअप करने में। इसके अलावा जो क्लास 1 से 7 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लैब्स सेटअप की गई हैं, और 8 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हाईटेक क्लासरूम सेटअप किए गए हैं। तो चलिए अब केरला के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। केरला के का कैपिटल है त्रिवंदपुरम, उनके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और केरला के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में PM मोदी ने इनमें से किस व्यक्ति की आत्मकथा देव विश्वना करनी जारी की है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए बाला साहेब VK पाटिल। हाल ही में बाला साहेब VK पाटिल की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है दे विचवा करनी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज की है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब VK पाटिल की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है दे विचवा करनी वो रिलीज की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसके अलावा जो प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी है उसका नाम उन्होंने बदल कर रखा है लोकनेते डॉक्टर बाला साहेब VK पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डॉक्टर बाला साहेब VK पाटिल कौन थे। तो एकनाथ राव अलियास बाला साहेब VK पाटिल मेंबर थे ऑफ द 14th लोकसभा ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने कोपरगांव और अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र की साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे रिप्रेजेंट किया था, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और वो मिनिस्टर थे इन दी NDA। इसके साथ साथ उन्होंने एशिया का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो कि है लोनी में इन महाराष्ट्र वो शुरू किया था, और उन्हें सम्मानित किया गया था विद द प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड जो कि है पद्म भूषण 31 मार्च 2020 को उनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। उन्होंने महाराष्ट्र में कई सारे डेवलपमेंट लाए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनका निधन 2016 में हुआ था एट द एज ऑफ 84। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, जलवायु संकट के कुछ सबसे ज़रूरी चुनौतियों को हल करने के लिए प्रिंस विलियम द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किए गए $65 मिलियन पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कारों कोनोबेल का नाम बताइए। पांच ऑप्शन से हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी अर्थशॉट प्राइज। अर्थशॉट प्राइज एक $65 मिलियन प्राइज है द नोबल ऑफ एनवायरमेंटल प्राइजेस जो कि ऑफिशियली लॉन्च किया गया है बाय प्रिंस विलियम, जिसके तहत कुछ क्लाइमेट क्राइसिस के जो मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और उन्होंने लॉन्च किया है अर्थ शॉट, जो कि एक $65 मिलियन प्राइज़ है, जिसके तहत जो हमारी क्लाइमेट क्राइसिस के मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और इसकी ओरिजिनल अनाउंसमेंट यानी कि अर्थ शॉट प्राइज़ की जो ओरिजिनल अनाउंसमेंट है वो की गई थी एट द एंड ऑफ 2019 इंक्लूडिंग द प्राइज़ अमाउंट। ये शुरू किया जाएगा वर्ष 2021 में और ये 5 प्राइजेस दिए जाएंगे अर्थ शॉट प्राइज़ के तहत, जिनकी वैल्यूएशन होगी $1.3 मिलियन। हर वर्ष ये दिए जाएंगे टिल दी नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले 10 वर्ष तक ये प्राइस दिए जाएंगे। और इस प्राइस की जो 5 अर्थ शॉट कैटेगरीज है जो कवर करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी और रिस्टोर करेंगी हमारे पर्यावरण को, हमारी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी, हमारे ओशंस को रिवाइव करेंगी, वेस्ट को रिड्यूस करेंगी और इसके साथ साथ एड्रेस करेंगी क्लाइमेट चेंज को। तो इन सब कैटेगरीज में ये प्राइज़ दिए जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें कई सारे मेंबर्स रहेंगे जो मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस संस्था या फिर इंडिविजुअल या किस सोसाइटी को ये प्राइज़ दिया जाए। ये प्राइज़ ओपन टू ऑल है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है क्राइटेरिया कि ये किसी पर्टिकुलर संस्था को दिया जाएगा या इंडिविजुअल या सोसाइटी को दिया जाएगा। उनका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी हमारे क्लाइमेट क्राइसिस के मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस है, चाहे आप कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो भी सबसे स्मार्ट तरीका इन्हें सॉल्व करने के लिए लेके आएंगे उन्हें ये प्राइस दिया जाएगा। और इसकी नॉमिनेशंस ओपन है फ्रॉम 1st of November। इसमें काफ़ी फेमस लोग भी शामिल हैं इस कमेटी में, जिसमें प्रिंस विलियम खुद रहेंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबोरो रहेंगे, शकीरा रहेंगी, केट ब्लैंचेट भी रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने ऋण का लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी $300 मिलियन। हाल ही में भारत और ADB बैंक ने $300 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो राजस्थान के जो सेकेंडरी टाउन्स हैं उन्हें डेवलप करेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 13 अक्टूबर को $300 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो राजस्थान के 14 सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करेंगे। और इसमें वो प्रोवाइड करेंगे सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो इसके लिए जो भी फिनेंस लगेगी वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए जानते हैं इसका मकसद क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद ये है कि बेटर क्वालिटी और मोर सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए राजस्थान की इन 14 सेकेंडरी टाउन्स को। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन टाउन्स की वो इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020 में कौन कौन से लोन्स अप्रूव किए हैं और किस किस पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने $177 मिलियन का लोन दिया था महाराष्ट्र की सरकार को, जिसके तहत जो स्टेट हाईवेज है महाराष्ट्र के, जिनकी रोड लेंथ है 450 किलोमीटर, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने $46 मिलियन का लोन दिया था महाराष्ट्र की सरकार को, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। $1 बिलियन का लोन उन्होंने अप्रूव किया था जिसके तहत दिल्ली मीरठ जो RRTS है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। $100 मिलियन का लोन उन्होंने दिया था इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोटेड NIIF द्वारा। और $270 मिलियन का लोन उन्होंने दिया था फॉर दी मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा सवाल, हाल ही में एग्जिम बैंक ने $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन इनमें से किस कंट्री को दिया है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मालदीव्स। हाल ही में एग्जिम बैंक ने $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है मालदीव्स को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में भारत ने
400 मिलियन $400 का लोन यानी कि 2,932 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया है मालदीव्स को एक्सिम बैंक के माध्यम से, जिसके तहत वो मालदीव्स के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। तो ये जो लोन है एक्सिम बैंक ने यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, और ये दिया गया है एक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से। इसके साथ साथ जो ग्रेटर माले की जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसे फाइनेंस किया जाएगा जो मालदीव्स में आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक्सिम बैंक ने अब तक 3 LOCs जिनकी वैल्यूएशन है क्यूमुलेटिव यानी कि 1.2 बिलियन $ कुल मिला के मालदीव्स को दी हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक ने ये जो सॉफ्ट लोन्स दिए हैं मालदीव्स को, इसके साथ साथ उन्होंने कई सारी कनेक्टिविटी, वाटर, सीवरेज प्रोजेक्ट्स, अडू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गुलही फलोफू पोर्ट, हनी माधो एयरपोर्ट एंड रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए लोन्स दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स का कैपिटल है माले, मालदीव्स की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफिया, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये केरला नहीं होगा, ये मालदीव्स होगा, एक टाइपिंग एरर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने एक सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 310 मिलियन $ इनमें से किस संगठन के माध्यम से दिए हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे को। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारी भारतीय सरकार ने एक सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 310 मिलियन $ दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे को। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में एक्सिम बैंक ने एक अग्रीमेंट में एंटर किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे, और इसके लिए उन्होंने एक सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 310 मिलियन $ का लोन दिया है, और इसके तहत जो जिम्बाब्वे के बोंगवे थर्मल पावर स्टेशन है इन द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे उसे फाइनेंस किया जाएगा। और ये जो अग्रीमेंट है इसमें जो LOC है वो इफेक्टिव रहेगी फ्रॉम 30 सितंबर 2020, और इस LOC का जो टर्मिनल यूटिलाइजेशन पीरियड है वो है 60 महीने यानी कि 5 वर्ष, और आफ्टर द शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ द डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं बता देती हूँ कि जिम्बाब्वे में कुछ टाइम पहले जो करेंसी चलती थी वो उसे अबॉलिश कर दिया गया था वर्ष 2015 में, और उसके बाद मल्टीपल करेंसी जिम्बाब्वे में चलने लगी, तो उसे भी वहाँ की सरकार ने अबॉलिश कर दिया। और अब हाल ही में जिम्बाब्वे में जो करेंसी चलती है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर, जो कि एक बंच है जिसमें कॉइन्स, बॉन्ड्स और RTGS डॉलर शामिल हैं। तो एट प्रेजेंट जिम्बाब्वे में सिर्फ 2 करेंसी चलती है, पहला है जिम्बाब्वियन डॉलर और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो चलिए अब जिम्बाब्वे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है इमर्सन नांगागुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन हर साल किस दिन मनाया जाता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 13th अक्टूबर। 13th अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन शुरू किया गया था वर्ष 1989 में, और इसकी अनुमति दी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कि एक दिन ऐसा सेलिब्रेट किया जाए जिस दिन हम ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन को प्रमोट कर सके। तो तब से यानी कि 1989 से एवरी ईयर ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद यही है कि सेलिब्रेट कर सके कि कैसे लोग और कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड एक साथ आते हैं, और उसके साथ साथ जो हम डिज़ास्टर के रिडक्शन में अपने इनपुट्स देते हैं, और कैसे रिस्क लोगों में अवेयर कराया जाए कि कैसे कैसे रिस्क हम फेस करते हैं विथ रिलेटेड टू आर एनवायरनमेंट। और इस वर्ष का उनका थीम है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आठवां सवाल, ऑक्सफैम की कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 129। भारत की रैंकिंग CRI इंडेक्स 2020 में है 129। चलिए जानते हैं डिटेल्स। कुल मिलाकर 158 कंट्रीज का सर्वे हुआ था इन दी 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स और इसमें भारत की रैंकिंग रही है 129। ये तीसरा एडिशन है इस इंडेक्स का जो कि फोकस करता है ऑन फाइटिंग इनइक्वालिटी इन द टाइम ऑफ COVID-19। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है बाय द इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन पार्टनरशिप विद द डेवलपमेंटल फाइनेंस इंटरनेशनल एंड विद इनपुट्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। तो ये जो 2020 का CRI इंडेक्स है इसमें पहले नंबर पर है नॉर्वे और सबसे आखिरी पोजीशन पर है साउथ सुडान, जिनकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रही है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि टॉप थ्री परफॉर्मर्स कौन रहे हैं इस इंडेक्स में। पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है जर्मनी और सबसे लास्ट में है साउथ सुडान और 129 नंबर पर है इंडिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 144। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 48। चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग रही है वो है 77। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 84। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 142। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग है 105। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां सवाल, किस पेशेवर बास्केटबॉल टीम ने 17वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है? पाँच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है 17वां नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो लॉस एंजलिस लेकर्स है उन्होंने डिफीट किया है मियामी हीट को और उसके बाद उन्होंने जीता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020। ये 17वां NBA टाइटल है जो LA लेकर्स यानी कि लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है और पहला सिंस द ईयर 2010। और इसके अलावा एक डिकेड पहले यानी कि 10 वर्ष पहले जीता था लेट को ब्रायंट ने 5वां और फाइनल टाइटल। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आर अदर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको सभी तरह के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई सजेशंस हो, कोई कंप्लेन हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।